राइट सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आए नानेघाट और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले रिवर्स वाटरफॉल और बहुत जल्दी आ गए, 8:30 का टाइम हो रहा है इधर। बाकी धूप जो सुबह सुबह में इतनी हो रही है ना, मेरे को लगा था बारिश होगी वगैरह, इतना मैं रेनकोट वगैरह लेके आया, बट बारिश तो कुछ हुई नहीं, बट ठीक है। तो अभी धूप में थोड़ा करना पड़ेगा ट्रैक। बाकी व्यू देखो पीछे, उधर जाने का हमको आगे। तो चलो इधर से अपना ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। बाइक हम लोगों ने पीछे पार्क कर दी है, बाइक पार्किंग के लिए भी जगह है तो कोई शॉर्ट नहीं है उसका। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैकिंग। तो वैसे सिंपल ट्रैक है, रूट इतना कोई डिफिकल्ट लग तो नहीं रहा अभी तक, मगर अगर आप इधर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप लोग को इधर गाइड भी मिल सकता है, उधर गाइड भी है तो आप लोग गाइड भी प्रेफर कर सकते हो। बट हम लोग ने सोचा कि हम लोग खुद ही एक्सप्लोर करेंगे कुछ नया, इसके लिए हम लोग ने गाइड नहीं लिया, हम लोग खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो गाइस इधर दो प्लेसेस है, आप इधर रिवर्स वाटरफॉल भी जा सकते हो और वो साइड जीवधन फोर्ट है, तो आप फोर्ट पे भी जा सकते हो। दोनों के लिए सेम रूट है, बस राइट लेफ्ट आगे जाके राइट साइड आओगे तो रिवर्स वाटरफॉल का रूट है और लेफ्ट साइड में जीवधन फोर्ट है। ये देखो ये रहा जीवधन फोर्ट, आप लोग उधर भी जा सकते हो, मगर हम लोग को जाना है रिवर्स वाटरफॉल तो हम लोग ये साइड से जा रहे हैं। बाकी उधर आप लोग को सब अच्छे से नेम प्लेट वगैरह भी दिख जाएगा, उधर सब लिखा है, डायरेक्शन वगैरह दिया है उधर, तो ज़रा भी हार्ड नहीं है, इजीली आप लोग जा सकते हो। और इधर छोटे छोटे स्टॉल्स भी है, अगर आप लोग को नाश्ता चाय वगैरह कुछ चाहिए रहेगा तो पीछे स्टॉल्स भी है, तो वो सब भी इधर प्रॉब्लम नहीं होगा, आप नाश्ता वगैरह पानी की बॉटल वो सब इधर इजीली मिल जाएगा। ऑल राइट सो अच्छा खासा ट्रैक कवर कर लिया हम लोग ने। पहले हम लोग उधर थे, वो जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना उधर थे, उधर हमारी बाइक वगैरह पार्क है और उधर से अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया हम लोग ने। और अभी जैसे जैसे आगे आ रहे वैसे वैसे बादल देखो, बादल हम लोग एकदम सामने, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे वैसे तो बादल नीचे आ रहे, तो वो एक देखने को बहुत सही लग रहा है। बाकी जैसे जैसे आगे आपको अपडेट तो देते ही रहूँगा क्या क्या दिख रहा है, कैसा क्या दिख रहा है। काटने वाला है हमको, कुछ नहीं छोड़ देते बेचारे को। तो ऐसे ट्रैक का टाइम खुराफाती आइडिया बहुत सारे आते हैं, कुछ ना कुछ करने मिलता है तो हम लोग करते हैं, इसके लिए ऐसे कुछ ना कुछ खुराफाती करते चलने का। और बाकी अब बादल देखो बहुत ज़्यादा जमा होने लग गए, और ऐसे अगर बादल जमा होते रहे तो इधर बारिश भी पक्का आएगी, और वो अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। बाकी क्या व्यू आ रहा है यार, तो गाइस इधर आते वक्त ध्यान रखना क्योंकि रोड अच्छा खासा स्लीपरी है, क्योंकि सब पानी है इधर ही और देखो पूरा रोड स्लीपरी है एकदम, तो ध्यान से चलना इधर क्योंकि गिरोगे तो। और देखो एक और मेहमान ये रहा, चलो ऐसे बहुत मेहमान मिलते हैं इधर, और इधर सब स्लीपरी है देखो, इसके लिए इधर ध्यान से चलना। राइट सो गाइस फाइनली अभी हम लोग रिवर्स वाटरफॉल के पास में आ गए, अभी वो देखो वाटरफॉल उधर दिखने भी लगा है, वो देखो सामने, और बहुत सही नज़ारा आ रहा है काफ़ी हाइट पे हम लोग, ये देखो अच्छे खासे हाइट पे अभी हम लोग आ गए और जा रहे हैं, इतना जाएंगे मतलब पूरा वाटरफॉल तक तो जाने ही वाले हम लोग, बस अभी तक हवा नहीं आ रही है इतनी, इसके लिए वो रिवर्स नहीं हुआ है, जब हवा आएगी तब वो रिवर्स हो जाएगा, तो होप करते हैं कि वो रिवर्स वाटरफॉल भी हम लोग को रिकॉर्ड करने मिल जाए।
बाकी बढ़िया। तो गाइस रिवर्स वाटरफॉल जाते थे, बीच में एक हमको प्लेस मिला है तो हमने सोचा वो भी कवर कर लेते हैं। इसे बंद पड़ा हुआ है देखो ये छोटा सा, थोड़ा उधर जाके भी स्टोरी वगैरह और फोटोशूट वगैरह करेंगे। और ये सब आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ये सब मेरे इंस्टा हैंडल पे देखने मिल जाएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा हैंडल की, आप लोग मेरे उधर फॉलो करो क्योंकि उधर मैं बाइक्स और ट्रैवल रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ, तो डू फॉलो। ऑलराइट, सो ये शायद किसी का घर होगा जो अभी पूरी तरीके से बंद है। ये देखो प्लेस पे थोड़ा शूट वगैरह करने में मजा आती है, कुछ अबैंडनमेंट देखने मिल गया ना तो मस्त लगता है। तो ये प्लेस भी एक्सप्लोर करके हो गया, अभी हम लोग निकले हमारे रिवर्स वाटरफॉल की तरफ जो अभी बस 10 मिनट की दूरी पे। बस यार बारिश हो जाए, थोड़ी बारिश बहुत ज़्यादा अभी गर्म हो रहा है। तो ये रहा हमारा रिवर्स वाटरफॉल, ये देखो पीछे है वो, इतना पब्लिक नहीं है क्योंकि हम लोग काफ़ी सुबह सुबह आ गए थे इसलिए इतना पब्लिक नहीं है इधर, पर धीरे धीरे हमने पूछा इधर तो बोलता है कि 11-12 के बाद पब्लिक आना स्टार्ट होती है, सब लोग आते ही है इधर। और आप लोग अगर शूट करने के हिसाब से आना है तो जल्दी आओ क्योंकि पूरा प्लेस फिर एंट्री मिलेगा, मस्त जैसे चाहिए वैसे शूट आप लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग भी शूट ही करने वाले हैं क्योंकि बस 2-3 लोग हैं। गाइस सच में इतना पीस है ना इधर, मस्त वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, बर्ड्स एंड ऑल की सब आवाज़ है, एकदम शांत प्लेस है, कुछ नहीं एकदम, बोलते ना हैशटैग पीस वाला प्लेस एकदम। ऐसे प्लेस पर ट्रेक करने में या फिर ब्लॉक करने में भी मज़ा आती है क्योंकि एकदम शांति रहती है, प्रॉपर सब एक्सप्लोर करने मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि इधर भी कोई तो वाटरफॉल है जो ऊपर से सब पानी आ रहा है, देखो उधर ये देखो, मतलब सब पहाड़ों में से पानी नीचे आ रहा है फिर इधर से रिवर्स वाटरफॉल में जाके मिल रहा है, सो वो भी मस्त लग रहा है। और पानी अच्छा ही एकदम साफ पानी है, आप लोग को अभी सब पानी की आवाज़ आ रही रहेगी, देखो चलो चलो थोड़ा बाकी है फटाफट उधर जाते चल। सो फाइनली इधर आके अभी हम लोग को बोलते ना पूरा ट्रैक वर्थ इट है क्योंकि अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, वाटरफॉल भी रिवर्स होने वाला है क्योंकि अभी हल्की हल्की बूंदें आ रही है फेस के ऊपर, तो वो एक अच्छी बात है कि जिसके लिए हम लोग आए थे वो हम लोग को देखने मिल रहा है। और क्लाइमेट एकदम सडन चेंज हो गया, देखो अब पहले इतनी धूप थी अभी एकदम मस्त छाव है, हल्की हल्की पानी की आ रही है बूंदें, और वो देखो पीछे फॉग, देखो फॉग भी जमा होने लग गया है। सही सही, ये बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग, मतलब पहले इतनी धूप थी और जैसे इधर आए वैसे क्लाइमेट एकदम चेंज हो गया, शायद आज दिन हमारा था इसके लिए। और वर्थ इट है यार इधर आना, बोलते ना लाइफ में एक बार तो भी इधर आना ही चाहिए, जो हम लोग आ गए हम लोगों ने हमारा रिवर्स वाटरफॉल कर लिया। और अभी थोड़ी देर और रुकेंगे, थोड़ा रील्स वगैरह निकालेंगे और देखेंगे और बारिश आ रही है क्योंकि बारिश में और अच्छे से रिवर्स देखने के लिए मिलेगा, तो वेट कर दे थोड़ा और। ऑलराइट, सो गाइस हम लोग का अभी रिवर्स वाटरफॉल एक्सप्लोर करके हो गया पूरा, और ज़्यादा भी नहीं हुआ क्योंकि बारिश ज़्यादा नहीं थी तो इसलिए रिवर्स नहीं देखने मिला, एकदम हल्का फुल्का सा रिवर्स देखने मिला, तो भी थोड़े टाइम के लिए बारिश आई थी इसके लिए, बट अभी बारिश नहीं है तो इतना रिवर्स नहीं मिला कि मैं शूट कर पाऊँ, तो इसलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं वो पीछे पॉइंट दिख रहा है उधर जाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, मतलब हम जा ही रहे अभी, तो चलो अभी उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, अभी इतना कर लिया तो थोड़े एक पॉइंट क्यों रखे जाए, है ना चलो। ऑलराइट, तो जैसे मैंने बोला था अभी ये कड़े पे जाने वाले हम लोग, तो अभी उधर जा रहे हैं, बाकी इधर ये देखो चलो अभी बहुत थोड़ा सा बाकी है, ये वैसे ज़्यादा बड़ा कड़ा है नहीं, ये फटफट हो भी जाएगा चल के, तो चलो जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको भी।
ये पॉइंट में जाने का बस एक ही रीज़न है क्योंकि ये प्रॉपर एक पॉइंट है जो अच्छे खासे हाइट पे है और उधर से पूरा नाने घाट रिवर्स वाटरफॉल सब दिखेगा। इसके लिए वो पॉइंट हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं। बाकी इसकी ट्रेकिंग थोड़ी उससे थोड़ा स्टीफ है ये, इसके लिए इसका ट्रैक फील हो रहा है कि थक रहे हम लोग। गाइस इधर से क्या सही व्यू आ रहा है, अभी लग रहा है कि हाँ अभी हम सच में टॉप में आ गए क्योंकि अभी वो जो भी पॉइंट थे वो सब हमारे नीचे दिख रहे हैं और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। फाइनली क्या व्यू है इधर। सो फाइनली हम लोग इधर भी टॉप पे आ गए और ये भी उधर से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये उसके हाइट से ज़्यादा है। बाकी इधर से देखो उधर सामने रिवर्स वाटरफॉल था, ये पहाड़ के उस साइड नीचे पूरा एकदम डीप है और इधर जो सही लग रहा है कि बाबा लग रहा है इतना ट्रैक करने के बाद अच्छा लगता है। मस्त इधर हवा वगैरह आ रही है, थोड़ा भी चिल करते इधर फिर नीचे उतरेंगे और फिर ब्लॉग को एंड भी कर देंगे। मगर अभी एक छोटा सा पॉइंट है वो नीचे जाते लग जाएगा तो हम लोग वो भी दिखा देंगे तुमको, बाकी थोड़ा मिलता हूँ चिल करके। ऑल राइट सो गाइस अभी सब पॉइंट हमारा एक्सप्लोर करके हो गया, बस अभी यही एक पॉइंट बाकी वो भी अभी एक्सप्लोर करेंगे फिर हमारा नानेगढ़ पूरा सब पॉइंट हो जाएगा। तो चलो थोड़े से लिख लो नीचे से भी इधर से आ सकते हो ना जुन्नर के नीचे से, ये रूट से नानेघाट के लिए आने के लिए रास्ता है, तो ये वो वाला रूट है। बाकी इधर पूरा प्रॉपर ट्रैक रहेगा, एकदम स्टिफ ट्रैकिंग है यहाँ पे, तो हम पूरा नहीं आने वाले बट नीचे एक केव पर जाके देख के आएंगे बस। जमाने की पानी की टाकी है तो हम लोग देख सकते हो जा रहे हम लोग भी उधर ही। पानी की टाकी है और ये अच्छी खासी गहरी है, कितने सारे टाकी है मतलब पुराने ज़माने में इसमें पानी जमा करके रखते थे और अभी भी इसमें पानी है, इस पता नहीं है कितने गहरे है। और इधर से व्यू फाइनली गाइस पूरा नानेघाट एक्सप्लोर करके हो गया हम लोग का, जितने भी पॉइंट्स थे नानेघाट पे पूरे एक्सप्लोर कर लिए हमने, रिवर्स वाला वाटरफॉल, ये पॉइंट, नीचे के केव्स सब एक्सप्लोर करके हो गया। आई होप आप लोगों को भी सब प्लेसेस अच्छे लगे होंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा प्लेस ज़्यादा अच्छा लगा। और आप अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बाइक्स और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन दिस इज अबाउट साइनिंग ऑफ। थक गया यार।